सबसे पहले आ जाते हैं, तो हेडिंग डालेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहला हमारा डिसऑर्डर है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में क्या होता है कि ये डेफिशिएंसी होता है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो अब इसमें नोट करेंगे क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं और मैं समझाता जाता हूँ साथ साथ में, नोट भी कराता जाता हूँ। तो नोट करिए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन Due to deficiency of growth hormone, it is characterized by small but well proportionated body, small but well proportionated body। बंदा small होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाथ पैर बड़े छोटे हैं। ठीक है, बॉडी उसी प्रोपोर्शन में होगी जिस प्रोपोर्शन में होती है, लेकिन शरीर का जो ग्रोथ होगा, बॉडी का ग्रोथ होगा, वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल इमैच्योरिटी बट नॉर्मल इंटेलिजेंस, सेक्सुअल इमैच्योरिटी बट नॉर्मल इंटेलिजेंस। नॉर्मल इंटेलिजेंस, अब देखो इसमें दो चीजें हैं कि एक तो पिट्यूटरी से जो डॉर्फिज्म होती है उसमें जो लोग होते हैं उनमें नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है। यही नोट करके लिख लीजिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, नोट करके यहीं पे लिखिए, डॉर्फ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थायराइड डेफिशिएंसी, डॉर्फ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थायराइड डेफिशिएंसी हैव लो इंटेलिजेंस। सर क्या 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 सही वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। डॉर्फ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थायराइड डेफिशिएंसी हैव लो इंटेलिजेंस। सेकेंड डिजीज पे आ जाते हैं, जाइगेंटिज्म। सर मतलब जो ये इंटेलिजेंस होती है वो बेसिकली केमिकल्स के कंट्रोल में होती है, कह सकते हैं ऐसा? न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है दोस्त, तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट केमिकल के कंट्रोल में नहीं होती, न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट पे। हार्मोन कम सिक्रीट होंगे, न्यूरॉन कम डेवलप होंगे, आदमी कम इंटेलिजेंट हो। अच्छा सर वही ना, मतलब जितने जितने मतलब शायद आपने बताया था कि जितना हम याद करते उतना हमारे न्यूरॉन न्यूरॉन के वो बनते हैं, जितना हम याद करते हैं उतना, मतलब जो भी हमारे दिन में जो भी हम ग्रास पढ़ते हैं वो न्यूरॉन के हमारे उतने ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं, शायद आपने आपने बताया था शायद। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी हम याद करते हैं उतना हमारा क्या न्यूरॉन्स उतना फंक्शन करते हैं, ऐसा कुछ क्या? नहीं, सर, मतलब न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी वे में, मुझे याद नहीं ऐसा किसने बताया था, मतलब मैंने सुना था ना, किसी और ने बताया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बेसिस पे होती है, न्यूरॉन्स का फुल्ली डेवलपमेंट जिन बच्चों में होता है वो हम सब नॉर्मल इंटेलिजेंट होते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कि हम अपने ब्रेन का कितना यूटिलाइजेशन करते हैं और किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब न्यूरॉन्स की ग्रोथ, मैच्योरिटी न्यूरॉन्स की, वो हार्मोन पे डिपेंड करती है। अब आते हैं जाइगेंटिज्म में, इट इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन at early age, it is caused due to excess of growth hormone at early age. The person have large but well proportionated body,
The person have large but well proportionated body. तो ये तो हो गया जाइगेंटिज्म, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्रोमेगैली। एक्रो MEGALY मेगैली। एक्रोमेगैली भी किसकी वजह से होती है? ये भी एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडल्ट स्टेजेस। दोनों में सिर्फ एडल्ट स्टेज, आफ्टर एडल्ट स्टेज। तो एडल्ट होने के बाद एक्सेस के बाद क्या कहा आपने? एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडल्ट स्टेज। इन दिस डिजीज characterized by disproportionate increase in body size, disproportionate increase in body size. Body आदमी की जिस रेशियो में होनी चाहिए उस रेशियो में नहीं होगी। जैसे आपने माइंड के बोला मेरे रिपीट कर। It is caused due to excess of growth hormone After adult size. तो gigantism होता है अर्ली स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस होना, हाइपर सिक्रीशन, और एक्रोमेगैली होता है एडल्ट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस में सिक्रीशन। gigantism में बॉडी वेल प्रपोर्शनेट होती है, हाथ पैर पेट जितना लंबा होना चाहिए उतना ही होता है। एक्रोमेगैली में हाथ बड़े हो जाते हैं, फेस बड़ा हो जाता है, उसके कंपैरिजन में बाकी बॉडी छोटी होती, वेल प्रपोर्शनेट ग्रोथ नहीं होती। तो वही मैंने कहा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, फोर्थ, डायबिटीज इंसिपिडस। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH. इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH. It causes excessive dilute urine. Next, Simon's diseases. Simon's disease. Simon's disease, degradation of anterior lobe causes premature aging. So, ये point starting से repeat कर दीजिए please. Degradation of anterior lobe causes premature aging. अब आ जाते हैं और कोई डिजीज है नहीं, ये थी पिट्यूटरी लोब की डिजीज। नेक्स्ट आते हैं पीनियल ग्लैंड।
नोट करिए, एपिफाइसिस इसी को बोलते हैं। एपिफाइसिस ये 0.1 to 0.2 ग्राम की होती है। इट इज लोकेटेड बिटवीन, सर वो एपिफाइसिक है या एपिफाइसिस है? एपिफाइसिस पढ़ते हैं इसको, SIC लिखते, SIC है लेकिन एपिफाइसिक नहीं पढ़ते, एपिफाइसिस पढ़ते हैं इसको। ओके सर। लोकेटेड बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सर रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी थी। लोकेटेड बिटवीन, इट इज लोकेटेड बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, इट इज नोन टू सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन। इट इज नोन टू सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग हार्मोन। तो देखो, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम आंख खोल के नहीं सो सकते हैं। रीजन ये होता है कि मैं बता भी चुका हूं जब न्यूरॉन्स आपको पढ़ा रहा था, कि जब हम आईज बंद कर लेते हैं तो एक्चुअली ये जो ग्लैंड है ये लाइट के लिए सेंसिटिव है। अगर लाइट आती रहेगी तो ग्लैंड से सीक्रेशन नहीं होगा और हमें नींद नहीं आएगी। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो ग्लैंड से सीक्रेशन मेलाटोनिन का स्टार्ट हो जाता है और जिससे हमें नींद आती है, इसीलिए इसको हम लोग स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बिकॉज ऑफ लाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ लाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स, शुरू सर ये वाला शुरू से बोल दीजिए। से ही बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ लाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स द पीनियल ग्लैंड इज कॉल्ड, द पीनियल ग्लैंड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। तो लाइट मीडिएटेड, लाइट की वजह से इसका रिस्पॉन्स चेंज होता है, इसीलिए इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। विच में प्रोड्यूस सर्केडियन रिदम, विच में प्रोड्यूस सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम। तो व्हाट इज सर्केडियन रिदम? सर्केडियन रिदम क्या होता है? 24 आवर साइकिल। ओके, किस पे बेस्ड होता है सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन साइकिल? ये तो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि 24 आवर्स का जो साइकिल होता है, बिल्कुल सही बात है, 24 आवर्स का जो साइकिल होता है उसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? स्लीप साइकिल पे बेस्ड होता है। अच्छा, स्लीप साइकिल भी बेस्ड होता है। ओके, फिर बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? समवन एल्स, व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? कोई नहीं, सर्केडियन रिदम क्या होता है? दिस इज सर्केडियन साइकिल होती है एक्चुअली। सर्केडियन जो साइकिल होती है, सर्केडियन साइकिल सन पे बेस्ड होती है। हम जिस कैलेंडर को देखते हैं, जो कैलेंडर जिससे अभी एक नया साल आएगा, कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगेरियन। आप जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं दैट इज ग्रिगेरियन कैलेंडर। ग्रिगेरियन कैलेंडर क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर है। दिस ग्रिगेरियन कैलेंडर, दूसरा शक संवत विक्रमी संवत जो इंडियन कैलेंडर है हमारा, ओरिजिनल इंडियन कैलेंडर है। इंडिया की जितनी गजेटेड होती हैं, गजेट्स होती हैं, छुट्टियां होती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने वर्डिक्ट होते हैं आप देखिएगा, उसमें हमेशा लिखा होगा शक संवत और विक्रमी संवत, और दूसरा डेट दी होगी ग्रिगेरियन कैलेंडर की।
दुनिया में ये तीन ऐसे कैलेंडर हैं जो सन पे बेस्ड हैं, इसीलिए इन सब में 24 आवर्स माने गए हैं और दूसरा जो डेज माने गए हैं 30 और 31 डेज माने गए दोनों में। यही कारण है कि ग्रिगेरियन कैलेंडर जो होता है, ये आपका जो इंग्लिश कैलेंडर होता है और जो हमारा ओरिजिनल कैलेंडर है इंडिया का, वो दोनों एक दूसरे से मैच इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों ग्रिगेरियन। तो एक्चुअली सर्कैडियन मींस होती है द साइकिल ऑफ सन, ठीक है, तो सर्कैडियन साइकिल पे बेस्ड है। ठीक, चाइना का कैलेंडर और बाकी कुछ कैलेंडर्स हैं वो मून की साइकिल में बेस्ड हैं, इसीलिए उनमें 26 डेज होते हैं। सो मून की साइकिल पे बेस्ड होते हैं क्योंकि मून 26 डेज में अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। चलिए, तो सर्कैडियन रिदम मींस होता है दैट इज द दिस वन 24 आवर्स मींस दैट इज द साइकिल ऑफ सन। तो लाइट, सन मतलब बोले तो सीधे सीधे लाइट, ठीक है ना, फोटो इफेक्ट, ठीक है, ऑप्टिकल इफेक्ट। तो जो सन का लाइट का इफेक्ट होता है उसके बेसिस पे काम करती है। एक और चीज है, जैसे कि आप देखते हैं जेट लैग, आपने सुना होगा जेट लैग। तो जेट लैग, हम जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं, तो इंडिया से अपन अमेरिका जाते हैं, तो हमारी जो सर्कैडियन साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ये ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है, इसको रीसेट होने में कुछ टाइम लगता है, उसी को हम लोग जेट लैग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड, तो इसके बहुत कम काम है, इसके यही काम है। नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। सर अभी आपने क्या बोला, पीनियल ग्लैंड इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट, आपने कुछ बोला था ना थोड़ी देर पहले उसके बारे में। क्या चीज? पीनियल ग्लैंड इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट, तो तभी हां, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बायोलॉजिकल क्लॉक। सर फिर आपने ये भी बोला था कि हमें आंख खोल के नींद नहीं आ सकती, सर आपने रीजन क्या दिया था? मैंने बताया था कि जब तक लाइट आती रहेगी हमारे आईज के थ्रू, तब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव नहीं होगी और मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होगा, डिम लाइट में फंक्शन करना स्टार्ट करती है। सर तो अगर कोई इंसान आंख खोल के बिल्कुल अंधेरे में सोए, मतलब जगह है, मतलब जो भी है सर, उसकी आंखें खुली है तब भी नहीं सो पाएगा वो? मतलब सर आपने बोला ना कि आंख खोल के नहीं सो पाते, सो उसका रीजन ये है कि पीनियल ग्लैंड इज सेंसिटिव टू लाइट। वो तो जैसे मेलाटोनिन रिलीज होगा ऑटोमेटिक आईज बंद हो जाएंगी, अपने आप ही बंद होने लगेंगी, अंधेरा जैसे होगा आईज अपने आप क्लोज होने लगी, वो तो पूरा फंक्शन मेलाटोनिन का है। हम सोने की जिस स्टेट पे पहुंचते हैं मेलाटोनिन का फंक्शन है। अब खोलने के लिए तो हमने कुछ लोगों को देखा है कि डीटीसी का बस का इंतजार करते समय सुबह 10 बजे गर्मी में लोग सो जाते हैं, डीटीसी के बस स्टैंड में सोते रहते हैं, हर स्टैंड में आपको एक आदमी ऐसा मिल जाएगा। तो मतलब वो दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल आदमी जब लाइट डिम लाइट होगी या लाइट बंद होगी तभी सो सकता है, अनॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो सो वो आपने जेट लैग क्या बोला था? जेट लैग जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं ना, तो जैसे आप अमेरिका चले जाते हैं, तो अभी इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 7:30 बजा हुआ है शाम का, वहां पे 7:30 सुबह का बजा होगा, है ना, तो वो डिफरेंस हो गई ना, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो सेट है वो इंडिया के अकॉर्डिंग सेट है, तो जब हम वहां पे जाते हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। अभी क्या होता है, आपको सुबह लगे महसूस होगा कि पढ़ने का टाइम हो गया, आपको यहाँ दिन में खाते हो, आपको रात में भूख लगेगी, तो वो पूरा का पूरा साइकिल आपका चेंज हो जाता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको दिन में नींद आती है, रात में आपको नींद नहीं आती है, दैट इज कॉल्ड जेट लैग। वो सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बोले तो हमारी पीनियल ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है, फिर धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड उस सर्कैडियन साइकिल को फॉलो करना शुरू कर देती है, तो 15 दिन बाद आप देखोगे कि आपको धीरे 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 आप उसके लिए एकस्टम हो रहे हैं। यस सर, ऐसा भी होता है सर, ऐसा भी कुछ होता है कि सर्दियों में ज्यादा नींद क्यों आती है सर सुबह? वो एक्चुअली क्या, मेटाबॉलिक रेट की वजह से होती है और कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारी मेटाबॉलिक रेट देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स जो होते हैं, वो हार्मोन्स की जो एक्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, है ना। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर डाउन होगा हमारी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाने की वजह से आप स्लीपी स्लीपी लेजी सा फील करोगे, ठीक है, ऐसा रीजन है। ये रीजन है। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए सर, मतलब अपना मेटाबॉलिक रेट हाई रखने के लिए? तो कुछ नहीं, मेटाबॉलिक रेट एक ही तरह हाई रहती है, वो ब्रेन आदमी का जैसे फंक्शन करता है ना, देखो इट इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल, समझे, सबको डिपेंड करता है हमारे साइकोलॉजी पे, मतलब सोचने पे, इमेजिन करने पे, तो बस यही चीज है और कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी।
आप अगर साइकोलॉजिकली फिट है तो आपको नींद फींद कुछ नहीं आने वाली, साइकोलॉजिकली आप जितना स्ट्रांग होंगे आपको नींद फींद कुछ नहीं आएगी। यस ओके सर। साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, आपको ठंड भी कम लगेगी, एवरीथिंग। देखो यू नो अमेरिका में आज की डेट में जिन लोगों को इनक्यूरेबल डिजीज होती है ना, उनको क्या करते हैं, इस तरह का एक पिरामिड शेप, एक स्पेशल पिरामिड शेप का क्यूबिकल टाइप का एक पिरामिड बना देते हैं और उस पिरामिड के अंदर आदमी को रख देते हैं और उसके अंदर कुछ वेव्स होती है लगातार, वो साउंड रिवॉल्व करती रहती है और वो लोग क्योर होते जाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग क्योर हो चुके हैं। तो दिस इज ऑल कॉल्ड साइकोलॉजी। आपकी हीलिंग जो पावर है वो भी आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। आपको ठंड लगना, नींद आना ना, आलस आना, आप साइकोलॉजिकली जितना स्ट्रांग होते ना उतना ही आपको ये फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो कम इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। अब यस सर ओके। थाइमस, अब थाइमस ग्लैंड के फंक्शन पे आ जाते हैं। अब थाइमस ग्लैंड बर्थ के टाइम पे ध्यान देना, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया नीट में। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज 10 to 15 ग्राम। तो जब आदमी का बर्थ होता है तो 10 to 15 ग्राम की होती है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के टाइम पे 30 से 40 ग्राम की होती है और उसके बाद एट द मिड एडल्ट लाइफ इट्स 10 ग्राम। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो पहले साइज में इंक्रीज होती है उसके बाद एज के साथ में रिड्यूस होती है, ठीक है, सो दैट इज द थाइमस ग्लैंड, है ना। तो नोट करेंगे, at the time of birth, at the time of birth, at the time of birth, thymus gland, at the time of birth, thymus gland 10 to 15 gram, it grow up to age of puberty when it ranges between 30 to 40 gram 30 to 40 gram and then reduces to 10 gram and then reduces to 10 gram then reduces to 10 gram at mid-adult life, ठीक है सर। 10 ग्राम से भी ज्यादा डिक्रीज होता है? नहीं, हाँ तो एक बार लास्ट बोल दीजिए, पूरा लिख लो, हम पूरा फिर से बोल देते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज 10 to 15 ग्राम, it grow up to age of puberty, when it ranges between 30 to 40 gram and then reduces to 10 gram till mid adult age. Okay, sir. ऐसा माना जाता है कि इसका रिड्यूस होना ही एजिंग का होना होता है। एजिंग हमें क्यों आती है, दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। तो ऐसा माना जाता है कि एजिंग हमें इसलिए आती है
क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे कम होने, लेकिन ये थ्योरी ऑफ एजिंग है, एजिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थ्योरी ऑफ एजिंग ये हम लोग मास्टर्स में पढ़ते हैं जूलॉजी में कि थ्योरी ऑफ एजिंग क्या है। तो थ्योरी ऑफ एजिंग में बहुत सारी, मैं आपको थ्योरी ऑफ एजिंग जो है दैट इज अ थ्योरी है ना, वो अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, अभी तक उसका प्रूफ नहीं है। बहुत कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ह्यूमंस की जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से एजिंग आती है। कुछ का मानना है कि जैसे आप बार बार अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट मारते हैं और उसमें बैड सेक्टर आते जाते हैं, और एक वो कंडीशन आती है कि आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है और आप उसमें फॉर्मेट नहीं मारते आते, फॉर्मेट नहीं कर सकते दोबारा से, ये विंडो अपलोड नहीं कर सकते। रीजन ये होता है कि धीरे 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 जो फंक्शनेबल पार्ट होता है आपके हार्ड ड्राइव का, वो धीरे धीरे जाने लगता है, कम होने लगता है। वैसे मानना जाता है कि जैसे जैसे हम एज्ड होते हैं वैसे वैसे द परसेंट फंक्शनल पार्ट परसेंटेज ऑफ सेल वो कम होता जाता है। तो पहले सेल अगर 100% बच्चे की काम कर रही है तो मेरी कर रही होगी 70%, ठीक है, आपकी मुझसे थोड़ी ज्यादा कर रही होगी, और मुझसे जो ज्यादा एजेड लोग होंगे उनकी 50% कर रही होगी, जो बिल्कुल एकदम खत्म होने वाले होंगे वो 30% कर रही होगी। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है। सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ एजिंग, ये मत समझ लीजिएगा कि थाइमस ग्लैंड छोटी हो गई तो आदमी इसलिए मर जाता है, ठीक है, राइट। सो नोट कर लेंगे, दिस डिसअपीयरेंस ऑफ थाइमस, दिस डिसअपीयरेंस ऑफ थाइमस कॉजेस एजिंग, ठीक है सर। अभी तो आपने बोला ये सिर्फ एक थ्योरी है। अरे मालिक, मैंने बोल तो दिया कि थ्योरी ही है, आप क्या गलत बोल दिया ये बताओ, यही तो मैंने बोला। हाँ बताइए सर, वो एक बार ये डिस के बाद रिपीट कर दीजिए। डिसअपीयरेंस ऑफ थाइमस कॉजेस एजिंग, भैया आपको मैं 12th के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको थ्योरी ऑफ एजिंग पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एजिंग प्रोसेस थ्योरी है कि हाइपोथेसिस है कि लॉ है, ये नहीं पूछा जाएगा। आप समझिए मेरी बात को, यू कैन नॉट बी स्पेसिफिक एट दिस लेवल। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, समझिए मेरी बात को, आपके लेवल पे क्लास 12th में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, आपके पास जूलॉजी और बॉटनी की बुक भी अलग अलग नहीं है। बताओ, सीबीएसई बोर्ड में जूलॉजी और बॉटनी की बुक भी अलग अलग नहीं है। So, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं करते। आपसे क्वेश्चन नीट में जो पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, तो आपको आंसर देना है कि दैट इज द थाइमस ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ठीक है। एट दिस लेवल वी कैन नॉट बी स्पेसिफिक और एंड इवन बुक्स आर नॉट दैट मच स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, अब इससे सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन है दैट इज थाइमोसिन। थाइमोसिन which stimulate development of, अच्छा बताओ किस चीज के डेवलपमेंट को भाई स्टिमुलेट करती है थाइमोसिन, थोड़ा सा हिंट दे दो। थाइमस किस चीज के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती है, एक एक घूसा पड़े तुम सब लोगों को, है ना, तभी पढ़ोगे। अरे अच्छा एक बात बताओ, WBC कहाँ मैच्योर होती है, सर टी सेल्स। हाँ वेरी गुड, टी सेल्स दे गेट मैच्योर एट थाइमस, लिखवाया था याद आया, yes, है ना, पढ़ नहीं रहे तुम लोग, हैं कुटाई होनी चाहिए तुम लोगों की, पढ़ते नहीं हो, हैं कौन टी सेल्स, कौन कौन सी टी सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल किसको बोलते हैं जल्दी बताओ, अब कुछ लोग पन्ने पलट रहे होंगे। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। वेरी गुड, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक, रिवीजन करते रहो, अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो नोट करेंगे, थाइमोसिन विच स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ WBC thymosin which stimulate the development of certain kind of WBC involve
certain kind of WBC involved in producing immunity. Underline करेंगे next point. It also has an attainment of maturity. It also has an attainment of maturity. So kind of WBC के बाद बोल देता हूँ, रुको पूरा बोल देता हूँ. Hasten. Thymosin stimulate development of certain kind of WBC involved in producing maturity. ब्रैकेट में लिख लो टी लिम्फोसाइट. इट ऑल्सो हैज एन अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी. ठीक है, क्लियर? इट ऑल्सो हैज एन अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब किसी बंदे में अगर ओवर सिक्रीशन है तो उसमें मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी, है ना? कई बार आप देखते हो ना, हमारे जमाने में ट्वेल्थ में बच्चे लगते थे कि ट्वेल्थ में ही पढ़ते हैं या हाई स्कूल में पढ़ता होगा. अभी क्या होता ना, कई बार हम जाते हैं हमें लगता है कि अंकल टाइप का आदमी ट्वेल्थ में कहां से पढ़ रहा है, चार पांच बार फेल हो गया क्या? सर हेसन के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए. इट हैज टेन द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी. तो वो एक्चुअली कुछ नहीं, वो थाइमस ग्लैंड का ओवर सिक्रीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जल्दी मैच्योर दिखाई देने लगते हैं कम एज में. ठीक, ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं किडनी में. नेक्स्ट है किडनी. सर वो भी इसी की वजह से होता है कि कुछ लोग मैच्योर ज्यादा नहीं दिखते हैं. हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग मैच्योर ज्यादा नहीं दिखते हैं, मतलब वो बच्चों जैसे दिखाई देते हैं काफी ज्यादा एज हो जाने के बाद भी, वो भी इसी की वजह से होता है. ओके सर. किडनी, आप देखो किडनी नोट करेंगे, ये क्या सिक्रीट करती है? रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन. देखो ये रेनिन क्या है, हार्मोन है, और वो रेनिन क्या था, एंजाइम था, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें. वो क्या काम करता था? किसी में डबल एन लिखा होगा लेकिन वो गलत है, दोनों की स्पेलिंग सेम है. कैल्सिटोल 3 हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय किडनी. अब तीनों का भाई लोगों फंक्शन लिख लो. सर जी लास्ट में क्या लिखा है? कैल्सिटोल 3. ओके सर. नोट करेंगे. रेनिन सबसे रेनिन. इट कॉजेस एक्सीलरेशन ऑफ हार्ट बीट. इट कॉजेस एक्सीलरेशन ऑफ इट कॉजेस एक्सीलरेशन ऑफ हार्ट बीट एंड constrict arteries and constrict arteries. ठीक है, full stop. It increases blood pressure. And enhance ultrafiltration. It increases blood pressure and enhance ultrafiltration. Next point.
इट इनहेंसेस वाटर एंड सोडियम, इट इनहेंसेस वाटर एंड सोडियम रीअब्सॉर्प्शन. हाँ, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर. के बाद आपने क्या बोला था, एंड एनहेंस रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट, इट एनहेंसेस वाटर एंड सोडियम रीअब्सॉर्प्शन. नेक्स्ट, इरेथ्रोपोइटिन. अब देखो क्या होता है ये हार्मोन का फंक्शन, ये कब काम करता है. कई बारी क्या होता है कि आप देखेंगे कि कुछ लोग, हम में से कुछ लोग लो ऑक्सीजन में नहीं रह पाते. मतलब कि जैसे अगर आपको अचानक से, जो लोग प्लेन में दिल्ली में रह रहे हैं उनको अगर लेह लद्दाख भेज दिया जाए तो अचानक से कुछ लोगों को चक्कर आने लगेंगे, कुछ लोगों को वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी. आपने देखा होगा माउंटेन में कुछ लोग पहुंचते ही उल्टी करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों के हेडेक होने लगता है, सर में पेन होने लगता है, कुछ लोगों को चक्कर आके इनफेक्ट बेहोश हो जाते हैं. इसीलिए आप देखेंगे एक पॉइंट, जीरो पॉइंट है सिक्किम में, तो वहां पर किसी भी टूरिस्ट को आधे घंटे ज्यादा रुकने की इजाजत ही नहीं, रुकने ही नहीं देते, 30 मिनट से ज्यादा रुकने देते क्योंकि 45 मिनट में आदमी वहां बेहोश हो जाता है. लेकिन वहां पे लोग रह रहे हैं जीरो पॉइंट में, वहां पे याक पालते हैं, याक पकड़ने वाले लोग रहते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे लेह लद्दाख वाले भी रीजन में बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है. तो रीजन क्या होता है कि ऊपर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है. अब जैसे खासफेल का जो हीमोग्लोबिन होगा हमारे हीमोग्लोबिन से डबल होगा, इसका हीमोग्लोबिन काउंट डबल होगा. रीजन ये होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है. तो जिन जगहों पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहां हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल किया जा सके. तो क्या होता है कि जैसे हम लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे तो हमें पहले चक्कर आते हैं, उसके बाद हम एडजस्ट कर जाते हैं. रीजन ये होता है कि लो ऑक्सीजन में जाने के बाद इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होना शुरू हो जाता है. इरेथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होती है. व्हाट डज इट मीन बाय इरेथ्रोपोइसिस, क्या होती है इरेथ्रोपोइसिस, क्या होती है, क्या होती है, वेरी गुड, आरबीसी का प्रोडक्शन. ठीक है, सब लिखवाया हुआ है मैंने, आरबीसी प्रोडक्शन लिखवाया कि नहीं, लिखवाया. तो इरेथ्रोपोइटिन आरबीसी प्रोडक्शन. तो अभी क्या होता है कि जब भी इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होता है तो इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट करता है, मतलब हमारी बोन मैरो में आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है. नोट करेंगे, इरेथ्रोपोइटिन में एट ऑक्सीजन शॉर्टेज इट स्टिमुलेट किडनी टू सिक्रेट दिस हार्मोन. एट ऑक्सीजन शॉर्टेज इट स्टिमुलेट किडनी टू सिक्रेट दिस हार्मोन. नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टिमुलेट बोन मैरो, इट स्टिमुलेट बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी. इट स्टिमुलेट बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी. कैल्सिट्रोल एक मेडिसिन भी आती है कैल्सिट्रोल की. It is active form of vitamin D. It promote absorption of calcium ion and phosphorus. It promotes absorption of calcium ion and phosphorus in a small intestine. ठीक है भाई, पैंक्रियास पढ़ा है क्या? पढ़ाया नहीं पढ़ाया पैंक्रियास? यस सर, पढ़ा दिया ना. ठीक है, और
रह गया, पैंक्रियास मैंने पढ़ा दिया। सर क्या बोला आपने, आपने ये बोला था कि पढ़ा है कि अभी पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है कि नहीं? अरे भैया तुम लोग क्या सुनते हो, मैंने बोला कि पैंक्रियास पढ़ाया क्या? नहीं सर, मुझे लगा आपने बोला पढ़ा है क्या, तो हमने बोला हाँ पढ़ा तो है। चलो भाई पैंक्रियास नोट करो, नेक्स्ट है पैंक्रियास, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग है पैंक्रियास। तो पैंक्रियास मैंने आपको बताया था कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है ना। देखो पैंक्रियास जो हमारा होता है, आपको पता है किस तरह से दिखाई देता है पैंक्रियास? इस तरह लीफ की तरह दिखाई देता है। पैंक्रियास हमारा दो तरह की सेल से मिलकर बना हुआ है। कुछ सेल्स इस तरह की दिखाई देती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ एकिनी। पैनक्रियाटिक एक्ने। तो पैनक्रियाटिक सेल्स ऑफ जो एक्ने होती हैं, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि यहां पे कुछ सेल्स ऐसी पाई जाती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल। बीटा सेल कुछ और सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें हम डेल्टा सेल्स बोलते हैं। तीनों को मिला करके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस They are part of endocrine gland. Okay. एक और सेल पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल डायग्राम बनाओ, फिर इनके फंक्शन लिखाता हूं। कर लिया
चलिए नोट करेंगे. नोट आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस नेम्ड आफ्टर आफ्टर देयर डिस्कवरर After their discoverer. Sir, repeat कर दो starting से. Isolate of Langerhans. Isolate of Langerhans named after their discoverer. These produces endocrine secretion. अब देखो यहां पर जो अल्फा सेल्स हैं, तो अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन बीटा सेल जो हैं, दे प्रोड्यूसेस इंसुलिन. डेल्टा सेल प्रोड्यूसेस सोमेटोट्रोपिन. पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल दे प्रोड्यूसेस पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड. अब इन सबके हार्मोन्स के रोल नोट कर लीजिए. ग्लूकोगोन क्या काम करता है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है. हाँ, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है? बात तो आपने सर लिवर का कुछ रोल होता है इसमें. मैंने बताओ बताओ बताओ. यू आर राइट, वेरी गुड. लिवर में थोड़ा थोड़ा. हाँ गुड, चलो सही बताया आपने. ग्लू एक्चुअली क्या होता है कि लिवर में जैसे हमने खाना खाया, तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे हमने खाना खाया तो क्या होता है कि जो सुगर एक्स्ट्रा होती है हमारे ब्लड में, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लीवर में स्टोर हो जाता है. तो हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है. अब क्या होता है कि जब हमें भूख लगती है और खाना नहीं मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी पहले फ्रेश ग्लूकोज की डिमांड करती है, जिससे हमें भूख लगती है. तो जब बॉडी को फ्रेश ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो बॉडी क्या करती है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है, तो वहां पे सीक्रेट होता है फिर ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमारी भूख मिट जाती है, है ना. तो नोट करेंगे, ग्लूकागॉन कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन. ग्लूकागॉन कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. नेक्स्ट इंसुलिन. ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. नेक्स्ट इंसुलिन. इंसुलिन इसका ऑपोजिट काम करता है, जैसे मैंने अभी बताया. इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स. अंडरलाइन करेंगे, इन लिवर एंड मसल्स. इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स. नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा फंक्शन, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस. ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. नेक्स्ट, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन टिश्यू. सर इंसुलिन में इट प्रमोट इंसुलिन में ही है, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन टिश्यू.
नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ फैट, इट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू. Next point, somatotropin. Its action is to suppress other hormone. Its action is to suppress other hormone from pancreas. So, ये इंसुलिन में है? नहीं, सोमेटोट्रोपिन में. ठीक है, नेक्स्ट. तो सोमेटोट्रोपिन हो गया. नेक्स्ट है पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड. नोट करेंगे, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियास. आप डिसऑर्डर पैंक्रियास, इसके डिसऑर्डर पढ़ लिया जाए, पैंक्रियास की क्या क्या खराब हो जाए तो क्या क्या हो सकता है. तो सबसे पहले तो भाई भाई डायबिटीज, जिसको आप लोग डायबिटीज एक्चुअल में समझते हैं, तो दैट इज डायबिटीज मेलिटस. तो याद रखिएगा, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, समझते हैं जिसको डायबिटीज, वो डायबिटीज मेलिटस है. इंसिपिडस एडीएज की वजह से होती है, और डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की वजह से होती है. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायबिटीज मेलिटस, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, उसमें शुगर बढ़ जाती है ब्लड में, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया. ठीक है, तो देखो, अगर डायबिटीज इंसुलिन कम सिक्रीट होगा तो हाइपर ग्लाइसीमिया, और ये ज्यादा सिक्रीट होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, तो नोट करेंगे, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर एंडोक्राइन सिस्टम. दिस इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ड्यू टू फेलियर ऑफ बीटा सेल टू प्रोड्यूस सफिशियंट इंसुलिन. इंसुलिन फेलियर ऑफ बीटा सेल टू प्रोड्यूस सफिशियंट इंसुलिन. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंटीज अंडरलाइन करेंगे. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज अपियर्स टू इन्वॉल्व
फेलियर ऑफ इंसुलिन टू फैसिलिटेट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इन टू सेल। सर ये पॉइंट रिपीट कर दो प्लीज। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज appears to involve failure of insulin to facilitate movement of glucose into cell. Next point. In this case, person become weak, full stop, blood cholesterol rises, healing power impaired. Sir, एक बार सर उसके बाद से रिपीट कर दीजिए वो person become weak. In this case, person become weak, blood cholesterol rises, and healing power impaired. नोट नीचे नोट करके लिखेंगे टेंडेंसी टुवर्ड्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज अपीयर्स टू बी इनहेरिटेड as autosomal recessive characteristic. तो जो डायबिटीज इनहेरिटेड होती है कि मां बाप को हुई तो बच्चों को हो जाती है वो डायबिटीज है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है वो इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से नहीं होती है बल्कि इंसुलिन उस कंडीशन में ग्लूकोज को ब्लड से सेल में मूव नहीं करा पाता है ये वो कंडीशन होती है ये इंसुलिन इसको ऐसा माना जाता है कि जो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है ना उसमें एरर है जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज हुई है और वो क्या है ऑटोसोमल डिजीज एक तरह की मैंने बोला ना कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंटी जो थी वो हेरिडिटी होती है ओके सर डायबिटीज मेलिटस नहीं ठीक है नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया It occurs. सिर्फ आवाज़ बोलो आपके आवाज़ चली गई थी। Hypoglycemia मैंने लिख दिया है। Hypoglycemia. It occurs when blood glucose level falls down. It occurs when blood glucose level falls down than normal.
फुल स्टॉप. थ्योरेटिकली इट मे बी कॉज्ड बाय, थ्योरेटिकली इट मे बी कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ इंसुलिन और अंडरलाइन करेंगे एक्सेस ऑफ इंसुलिन और डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन और बोथ एक्सेस ऑफ इंसुलिन और डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन और बोथ. सर आपने थियोरेटिकली इट मे बी की बात क्या बोला? थियोरेटिकली इट मे बी कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ इंसुलिन और डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन और बोथ फुल स्टॉप. It is also called hyperinsulinism. It is also called hyperinsulinism. It leads to weakness, profuse sweating, weakness. And profuse sweating. Sir, दोबारा repeat कर दीजिए please. कौन वाला? Symptom. Sir, जो आपने भी it is also called hyperinsulinism की बात. Okay. It leads to weakness, and profused sweating. Next, gonads. Gonads में दो आते हैं, ovary और testis. तो पहले आते हैं ovary में. Hormones produced by ovary are estrogen, progesterone. Relaxin, inhibin, and actin. अब एक एक का फंक्शन लिख लीजिए. ऑस्ट्रोजन. It develop female secondary sex characteristic. During puberty. नेक्स्ट पॉइंट इसी में. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्यूरेशन ऑफ ओवा एंड मैमरी ग्लैंड. मैच्यूरेशन ऑफ ओवा
एंड मेमोरी ग्लैंड। सर मैचुरेशन के बात आपने क्या कहा? मैचुरेशन ऑफ ओवा एंड मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन। इट रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में इट ऑल्सो स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। इट ऑल्सो स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। नेक्स्ट रिलैक्सिन। इट इज सीक्रेटेड एट लेटर स्टेज ऑफ, इट इज सीक्रेटेड at later stage of pregnancy. It is secreted at later stage of pregnancy. It helps softening of ligament. And increase foot size foot size. So FWT? FWT, foot size of women during pregnancy. Inhibin and actin. It inhibit इनहिबिट करने का काम करता है और एक्टिन एक्टिव करने का काम करता है। इट इनहिबिट, या ऐसे लिख लो, इनहिबिन इनहिबिट्स एंड एक्टिन एक्टिवेट। इनहिबिन इनहिबिट एंड एक्टिन activate. FSH, GnRH production. सर हाँ, वो आपने वो जो बुआ बोला था, एक बार उसकी स्पेलिंग बस बोल दीजिए। क्या बोला था? बुआ? क्या?
तब वो जो आपने एस्ट्रोजन में ऑस्ट्रोजन में वो बोला था ना मैच्योरेशन ऑफ ओवा, समझ नहीं आया था मैच्योरेशन ऑफ ओवा भाई, ओवा। अच्छा ओवा, ओके सर ओके सर। नेक्स्ट टेस्टिस, टेस्टिस सिक्रीट मेल हॉर्मोन्स एंड्रोजेंस। द प्रिंसिपल एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। द प्रिंसिपल एंड्रोजन is testosterone. ठीक है, आप फंक्शन इसके लिख लीजिए। आपने लास्ट लाइन क्या बोला? The principal androgen is testosterone. Testosterone. इसके बाद कुछ बोला सर आपने? इसके बाद भैया मैंने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। दिस इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर ये एंड्रोजन्स के लिए, हाँ टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन। It is responsible for growth and development of secondary sex characteristic prostate gland and penis. Next point. Characteristics. It is responsible for development of secondary sex characteristic prostate gland and penis. Next point. Development of male secondary sex characteristic. Next, it stimulate disorder. Sir, it stimulates. Stimulates के बाद आपकी आवाज नहीं आई। के बाद आपकी आवाज नहीं आई थी। अच्छा भाई, चलो भैया हम फिर से बोल देते हैं, नोट तो कर लो। It stimulates development of male secondary sex characteristic and it stimulate development of sperm. Disorder. पहला disorder है male hypo गोनेडिज्म। इसमें क्या होती है कि इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन। इसमें स्पर्म फॉर्मेशन में डेफिशिएंसी होती है,
ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक मेल में डेवलप नहीं होते हैं। तो नोट कर लो, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन, डेफिशिएंसी कॉजेस इन स्पर्म फॉर्मेशन एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन, डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एंड डेफिशिएंसी इन मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, डेफिशिएंसी इन मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक secondary sex characteristic causes. Next, female hypogonadism. Deficiency of estrogen lack of female secondary sex characteristic development. Third, eunucoidism. सर जी, सर ये जो फीमेल हाइपोगोनाडिज्म है वो जिन फीमेल्स को होता है वहां पर उनके उनमें प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है? हाँ बिल्कुल, वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक थोड़े ना, वो तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है। ओके सर, यूनोकॉइडिज्म यूनोकॉइडिज्म EUNO CHOI DISM eunucoidism. Failure of testosterone secretion. Leads to अंडर डेवलप्ड, सर एक बार रिपीट कर दो, फेलियर ऑफ टेस्टोस्टेरोन कॉजेस अंडर डेवलप्ड secondary sex characteristic. And penis and prostate. They do not produce sperm. Fourth, gynecomastia. पढ़ा चुका हूँ ना, gynecomastia? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो बढ़िया है, कम से कम yes तो बोला तुम लोगों ने, मुझे लगा इसमें भी मना कर दोगे, नहीं सर। 11th, last, placenta. Placenta ये क्या करता है आपको पता है, मदर और फीटस के बीच में न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज
करता है, ये जो रिलीज करता है, ये रिलीज करता है प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन। प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन नोट करेंगे, इट चेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ uterine muscles and causes maintenance of pregnancy. एक और हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज करता है, प्लेसेंटल रिलैक्सिन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिलैक्सिन का फंक्शन पढ़ा है। इट कॉजेस रिलैक्सिन ऑफ लिगामेंट टुवर्ड्स, इट कॉजेस रिलैक्सिंग ऑफ लिगामेंट towards termination of pregnancy. सर उससे पहले वाला मेंटेनेंस बोला था ना आपने? हेलो चेक कर लीजिए एक बार, कोई बची हो तो बताइए मुझे। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर, आपकी आवाज नहीं है बिल्कुल भी। कह रहा हूँ एक बार चेक कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ एक बार चेक कर लीजिए, कोई ग्लैंड अगर रह गई तो मुझे बता दीजिए। सर सर आपने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा मैंने उसके बाद। टर्मिनेशन बोलो ना। टर्मिनेशन सर, तुम फिर मैं पूछी थी सर, इससे पहले तो आपने मेंटेनेंस बोला था ना, इससे पहले वाले में प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन में। हाँ यस सर, चेक कर लियो। तो हमारी एनिमल फिजियोलॉजी खत्म हो गई, ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्लांट फिजियोलॉजी होगी, राइट? यस सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बाय सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय सर, वेलकम, बाय।